नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। आज बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। प्रधानमंत्री मोदी नेहरू गांधी परिवार और राहुल गांधी को कोसते कोसते इतिहास की उस दहलीज पर आकर के खड़े हो गए हैं, जहां उन्हें इतिहास पूछेगा आने वाले वक्त में कि आपने उनको कोसते कोसते अपनी ही अस्मिता क्यों बर्बाद कर ली। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से मंच के माध्यम से लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों के सामने जिस तरीके से बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं इतिहास गवाह बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों में जो गैर जिम्मेदाराना एक रवैया रहता है कि आप इतिहास को दोहरा रहे हैं, लेकिन इतिहास के बारे में आपको कितनी जानकारी है और कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना सच। अब नेहरू से लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं भाषणों में, अपने ही भाषणों में खुद हारने लगे हैं मोदी। आपको मैं बता दूं, चाहे वो कर्नाटक चुनाव कोई जीतना बहुत बड़ी बात नहीं है प्रधानमंत्री मोदी के लिए, क्योंकि उनका जो जीतने का रिकॉर्ड है वो एक लंबे समय का एक इतिहास बन गया है जो हमेशा रहेगा। और अब वो अपने भाषणों के जरिए किस तरीके से खुद हार रहे हैं, आइए देखते हैं खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री मोदी के लिए चुनाव जीतना बड़ी बात नहीं है, वो जितने चुनाव जीत चुके हैं ये रिकॉर्ड भी लंबे समय तक रहेगा। कर्नाटक की जीत कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी को अपनी हार देखनी चाहिए। वे किस तरह अपने भाषणों में हारते जा रहे हैं, आपको ये हार चुनावी नतीजों में नहीं दिखेगी, वहाँ दिखेगी जहाँ उनके भाषणों का झूठ पकड़ा जा रहा है, उनके बोले गए तत्वों की जांच हो रही होती है। इतिहास की दहलीज पर खड़े होकर झूठ के सहारे प्रधानमंत्री इतिहास का मजाक उड़ा रहे हैं, इतिहास उनके दुस्साहस को नोट कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना शिखर चुन लिया है, उनका एक शिखर आसमान में भी है और एक उस गर्द में भी है, जहाँ तो कोई मर्यादा है न स्तर है। उन्हें हर कीमत पर सत्ता चाहिए ताकि वो सबको दिखाई दे कि शिखर पर मगर खुद रहे गर्त में। ये गर्त ही है कि नायक होकर भी उनकी बातों की भुलाई हो जाती है। इस गर्त का चुनाव वे खुद करते हैं जब वे गलत तथ्य रखते हैं, झूठा इतिहास रखते हैं, विरोधी नेता को उनकी माँ की भाषा में बहस की चुनौती देते हैं। ये गली की भाषा है, प्रधानमंत्री की नहीं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के लिए नेहरू चुनौती बन गए, उन्होंने खुद नेहरू को चुनौती मान लिया है। वे लगातार नेहरू को खंडित करते रहते हैं। उनके समर्थकों की सेना व्हाट्सएप नाम की झूठी यूनिवर्सिटी में नेहरू को लेकर लगातार झूठ फैला रही है। नेहरू के सामने झूठ से गड़ा गया यह नेहरू खड़ा किया जा रहा है। अब लड़ाई मोदी और नेहरू की नहीं रह गई, अब लड़ाई हो गई है असली नेहरू और झूठ से गड़े गए नेहरू की। आप जानते हैं कि इस लड़ाई में जीत असली नेहरू की होगी। नेहरू से लड़ते लड़ते प्रधानमंत्री मोदी के चारों तरफ नेहरू का भूत खड़ा हो गया है। नेहरू का अपना इतिहास है, वो किताबों को जला देने और तीन मूर्ति भवन के ढा देने से नहीं मिटेगा। ये गलती खुद मोदी कर रहे हैं, नेहरू नेहरू करते करते वे चारों तरफ नेहरू खड़ा कर रहे हैं। मोदी के आसपास अब नेहरू दिखाई देने लगे हैं, उनके समर्थक भी कुछ दिन में नेहरू के विशेषज्ञ हो जाएंगे, मोदी के नहीं। भले ही उनके पास झूठ से गड़ा गया नेहरू होगा, मगर होगा तो नेहरू ही। प्रधानमंत्री के चुनावी भाषणों को सुनकर लगता है कि नेहरू का यही योगदान है कि उन्होंने कभी बोस का भी, कभी पटेल का तो कभी भगत सिंह का अपमान किया। वे आज़ादी की लड़ाई में नहीं थे, वे खुद नेताओं को अपमानित करने के लिए लड़ रहे थे। क्या नेहरू इन लोगों का अपमान करते हुए ब्रिटिश हुकूमत की जेलों में 9 साल रहे थे? इन नेताओं के बीच वैचारिक दूरी, अंतर विरोध और अलग अलग रास्ते पर चलने की धुन को हम कब तक अपमान के फ्रेम में देखेंगे? इस हिसाब से तो उस दौर में हर कोई एक दूसरे को अपमान ही कर रहा था। राष्ट्रीय आंदोलन की यही खूबी थी कि अलग अलग विचारों वाले एक से एक कद्दावर नेता थे। ये खूबी गांधी की थी, उनके बनाए दौर की थी, जिसके कारण कांग्रेस और कांग्रेस से बाहर नेताओं से भरा आकाश दिखाई दे रहा था। गांधी को भी है अवसर उनसे पहले के नेताओं और समाज सुधारकों ने उपलब्ध कराया था। मोदी के ही शब्दों में यह भगत सिंह का भी अपमान है कि उसकी सारी कुर्बानी को नेहरू के लिए रचे गए एक झूठ से जोड़ा जा रहा है।
भगत सिंह और नेहरू को लेकर प्रधानमंत्री ने जो गलत बोला है वो गलत नहीं बल्कि झूठ है। नेहरू और फील्ड मार्शल करियप्पा जनरल थिमैया को लेकर जो गलत बोला है वो झूठ था। कई लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि प्रधानमंत्री की रिसर्च टीम की गलती है। आप गौर से उनके बयानों को देखिए। जब आप एक शब्दों के साथ पूरे बयान को देखेंगे तो उसमें एक डिजाइन दिखेगा। भगत सिंह वाले बयान में ही सबसे पहले वे खुद को अलग करते हैं, कहते हैं कि उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है, और फिर अगले वाक्यों में विश्वास के साथ यह कहते हुए सवालों के अंदाज में बात करते हैं कि उस वक्त जब भगत सिंह जेल में थे तब कोई कांग्रेस की नेता नहीं मिलने आ गया। अगर आप गुजरात चुनाव में मणिशंकर अय्यर के घर हुए बैठक पर उनके बयान को इसी तरह देखेंगे तो एक डिजाइन नजर आएगा। बयानों के डिजाइनर को यह पता होगा कि आम जनता इतिहास को किताबों से नहीं कुछ अफवाहों से जानती है। भगत सिंह के बारे में यह अफवाह जनसुलभ है कि उस वक्त के नेताओं ने उन्हें फांसी से बचाने का प्रयास नहीं किया। इसी जनसुलभ अफवाह से तार मिलाकर और उनके आधार पर नेहरू को संदिग्ध बताया गया। नाम लिए बगैर कहा गया कि नेहरू भगत सिंह से नहीं मिलने गए। यह इतना साधारण तथ्य है कि इसमें किसी भी रिसर्च टीम से गलती हो ही नहीं सकती। तारीख या साल में चूक हो सकती थी, मगर पूरा प्रसंग ही गलत हो यह एक पैटर्न बताता है। ये और बात है कि भगत सिंह सांप्रदायिकता के घोर विरोधी थे और ईश्वर को ही नहीं मानते थे। सांप्रदायिकता के सवाल पर नास्तिक होकर जितने भगत सिंह स्पष्ट हैं, उतने ही आस्तिक होकर नेहरू भी हैं, बल्कि दोनों करीब दिखते हैं। नेहरू और भगत सिंह एक दूसरे का सम्मान करते थे। विरोध भी होगा तो क्या इसका हिसाब चुनावी रैलियों में होगा? नेहरू का सारा इतिहास में आलोचना अनेक किताबों में दर्ज है। प्रधानमंत्री मोदी अभी अपना इतिहास रच रहे हैं। उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कम से कम झूठ पर आधारित न हो। उन्हें यह झूठ ना तो बीजेपी के प्रचारक के तौर पर और ना ही प्रधानमंत्री के तौर पर। कायदे से उन्हें इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए ताकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए नेहरू को लेकर फैलाए जा रहे जहर पर विराम लगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी की हालांकि जो पर्सनालिटी है, उस पर्सनालिटी के दम पर वो वोटरों को और जनता को रिझाने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी जिन आंकड़ों को पेश करते हैं, जिन योजनाओं को वो गिनवाते हैं, अगर उन आंकड़ों का आकलन जब किया जाता है तो फिर एक इतिहास बन के रह जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जब जनता से इस तरीके के झूठे आंकड़े पेश करते हैं तो क्या सच में वो कोसते कोसते कहीं ना कहीं खुद हारने लगे हैं। चुनाव तो जीत रहे हैं लेकिन अपने आप में खुद हारते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की भले ही दिलचस्पी चुनाव जीतने में हो, लेकिन वो अपना एक इतिहास बना रहे हैं। आने वाले दिनों में जब प्रधानमंत्री मोदी को यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर याद किया जाएगा तो उनके यही सारी चीज़ों का जिक्र होगा कि आपने इतिहास की दहलीज पर खड़े होकर के इतिहास को ही झूठा ठहरा दिया था। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने आप में खुद हारने लगे। अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी जैसा जिम्मेदार व्यक्ति जब गलत आंकड़ों के जरिए देश की जनता को संबोधित करेगा तो क्या होगा? चाहे भगत सिंह नेहरू को लेकर प्रधानमंत्री ने जो गलत बोला वो गलत नहीं बल्कि झूठ है। नेहरू और फील्ड मार्शल करियप्पा जनरल थिमैया को लेकर जो गलत बोला वो भी झूठ था। कई लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि प्रधानमंत्री की रिसर्च टीम की गलती है। आप गौर से उनके बयानों को देखिए। जब आप एक शब्दों के साथ पूरे बयान को देखेंगे तो उसमें एक डिजाइन दिखेगी कि प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं। आज के लिए इतने ही। लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।